व्यूअर्स, वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपको लाहौरी स्पेशल तवा कीमा बनाना सिखाती हूँ। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, कहीं आप भूल ना जाएं। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ जो छोटा सा बेल का आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। अब इन्ग्रीडियंट्स नोट डाउन कर लें। आधा किलो मटन का कीमा, आप यहाँ गाय का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मटन का यूज़ कर रही हूँ। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये 2-3 हरी मिर्ची हैं इसको मैंने दरमियान से कट करके रख लिया है, कचरी पाउडर 1 टीस्पून, कूटा साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, 1 अदद प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा जिसको पहले भून कर पीस लिया था 1.5 टीस्पून, योगर्ट 1/2 पाव, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, छोटी हरी मिर्चें चॉप्ड 6 to 7। मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, अगर आप पिसी लाल मिर्च यूज़ करना चाहें तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, फिर इनकी क्वांटिटी को हाफ ऑफ कर दें। सॉल्ट टू टेस्ट, 3 बड़े टमाटरों का छिलका उतार लिया था, उसके बाद मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले कीमे को मैरिनेट करते हैं। कीमे में दही डाल दूँगी, चॉप्ड हरी मिर्चें, सॉल्ट, कचरी पाउडर, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, इन सब चीज़ों को कीमे से अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको कोशिश करें कि 1 दिन के लिए मैरिनेट कर दें, ओवरनाइट मैरिनेट कर दें, नहीं तो मैक्सिमम 2 घंटों के लिए इसे लाजमी मैरिनेट करें। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया, मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी। आप भी कोशिश करें ओवरनाइट रखें, अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 2 घंटों के लिए तो लाजमी रखें। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट किया है, आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन मैक्सिमम 2 घंटों के लिए मैरिनेट लाजमी करें। अब हम इसको तवे पर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ और साथ मक्खन यूज़ कर रही हूँ। आप इसे सिर्फ घी में भी बना सकते हैं, अकेले मक्खन में बना सकते हैं, और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। टोटल घी और मक्खन आपने 1/2 कप लेना है। चॉप प्याज ऐड कर दें, रिमेंबर प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कलर चेंज हो तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब मैं दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। प्याज और टमाटर तकरीबन मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें कुटा हुआ धनिया हल्का सा मिक्स कर लें।
इसमें मैरिनेटेड कीमा ऐड कर दें। तीन से चार मिनट कीमे को टमाटर, धनिया और प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। शुरू में इसकी फ्लेम हाई रखनी है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएं। कीमे का पानी सारा ड्राई हो चुका है, अब इसमें दरमियान में एक होल कर लेंगे। इस होल में तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर दें, मिक्स करें। फ्लेम मीडियम रखें, अब इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख दें। कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये तकरीबन कुक हो चुका है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। गरम मसाला डाल दें, मिक्स करें। कसूरी मेथी ऐड कर दें। मिक्स करें। जब घी छोड़ना शुरू कर दें इसका मतलब कि कीमा बिल्कुल कुक हो चुका है। अब लास्ट में इसमें मक्खन ऐड कर देंगे। स्लाइस्ड हरी मिर्च, स्लाइस्ड जिंजर से इसे गार्निश करें, हरा धनिया। ये देखें व्यूअर्स, तवा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।